नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजीत कुमार। आप देख रहे हैं ड्रीम टेक एजुकेशन। आज हम लोग क्लास 8 के ह्यूमन आईज वाले टॉपिक को करेंगे, जो कि लाइट चैप्टर में हमें पढ़ना होता है। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं ह्यूमन आईज को। ह्यूमन आईज क्या है सर? तो मेनली हम लोग कह सकते हैं कि ये जो ह्यूमन आईज है सर, है ना, इस ह्यूमन आईज को हम लोग किस चैप्टर में पढ़ते हैं? तो ये लाइट वाले चैप्टर का है। और लाइट के दो वीडियो हम पहले ही रिलीज कर चुके हैं। तो जो स्टूडेंट नए हैं, जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मेरा रिक्वेस्ट है उनसे कि आप पहले पूरा जाकर के दोनों वीडियो को देखिए, और इस वीडियो को भी आप पूरा देखें, तभी अच्छे से आपको समझ में आएगी चीजें। तो चलिए शुरू करते हैं ह्यूमन आईज को। सबसे पहले क्या देखेंगे कि हमारे जो आंख है सर, वो नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। ऑप्टिकल का मतलब होता है जहां पे लाइट और लाइट के बारे में, है ना, यानी कि लाइट और रे ऑफ लाइट के बारे में स्टडी हो, उसको ऑप्टिकल्स कहते हैं या ऑप्टिक्स कहते हैं। तो ये क्या है? नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि रिसेंबल एज ए कैमरा। मान लीजिए कि कैमरा के जैसा मेरा आंख बिहेव करता है, ठीक। तो सबसे पहले कि अगर हम लोग ह्यूमन आईज की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी? तो दो चीज। सबसे पहले तो नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, है ना, नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है ये, ठीक। दूसरा क्या है सर कि ये सेम एज कैमरा है, है ना, सेम एज कैमरा, ठीक। और हमारा जो आंख है सर, वो कैसा होता है? तो मोटा माटी आप कह सकते हो कि ये अस्फेरिकल होता है, है ना, अस्फेरिकल होता है। अब देखिए, ये है अपना आई, यहां पे इसको हम लोग कहते हैं आई बॉल, ठीक। यहां पीछे रेटिना होता है, ब्लाइंड स्पॉट, ऑप्टिक्स नर्व होता है जो मैसेज करता है ब्रेन को, जो भी आप देखते हैं उसके ब्रेन को मैसेज करता है। लेंस है सर, एक्वस हमर है, पुपिल है, कॉर्निया है, और आयरिस है, और उसके बाद क्या है, सीरियली मसल्स है। तो ये सब हमारे जो आई है उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट है। अब हम इसी के बारे में स्टडी करेंगे एक एक करके। सबसे पहले क्या है कि अगर हम लोग इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करें, तो सबसे पहले पढ़ना है कॉर्निया को। कॉर्निया क्या कहते हैं? द फ्रंट पार्ट ऑफ द आई इज कवर्ड बाई ट्रांसपेरेंट स्फेरिकल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड कॉर्निया। आंख का जो, देखो आंख आपको ऐसे दिखता है ना सामने से, ये आपका सामने से आंख है। ये जो होता है, ये एक मेम्ब्रेन टाइप का स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं, ठीक। इसके बाद आता है आयरिस, या इसी को कहते हैं पुपिल। पुपिल क्या है? आयरिस इज ए डार्क कलर मस्कुलर डायफ्रेम। देखो यहां पे जो डार्क कलर का ऐसे करके होता है ना, उसी को आयरिस कहा जाता है, ठीक। जिसके मिडिल में एकदम, अगर सेंटर पर बात करोगे, तो वहां सेंटर पर क्या होगा, एक 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 छोटा सा स्पॉट होता है इस तरीके का, देखो, है ना, इस तरीके का एक स्पॉट होता है सेंटर पे एकदम, ठीक। अब आता है आई लेंस। यही जो स्पॉट है सर, यहीं पे, इसी को हम लोग कहते हैं आई लेंस, ठीक। इसी को कहते हैं हम लोग क्या, आई लेंस। और इसके पीछे वाले पार्ट को कहा जाता है रेटिना। अगर मान लेते हैं, ये देखिए आपका आई लेंस है, और इस तरीके का जो पार्ट है उसमें, इसको हम लोग कहते हैं रेटिना। रेटिना वही जगह है जहां पे इमेज का फॉर्मेशन होता है। रेटिना वो जगह है जहां क्या होता है, इमेज का फॉर्मेशन होता है, ठीक। चलिए अब इस पर आगे बात करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग को बात करना है कि क्या होता है सर फार पॉइंट और क्या होता है नियर पॉइंट। देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग फार पॉइंट और नियर पॉइंट की बात करते हैं, तो फार पॉइंट की बात करते हैं, तो फार पॉइंट का मतलब है कि आंख की वैसी कैपेसिटी जिससे आप लॉन्गेस्ट डिस्टेंस देख सकते हैं, है ना, लॉन्गेस्ट डिस्टेंस देख सकते हैं। तो किसी भी आई के लिए जो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस होता है वो इनफाइनाइट होता है, ठीक। वो क्या होता है? इन्फिनिटी होता है। जितना ज्यादा से ज्यादा हम लोग आगे देख सकते हैं,
नियर पॉइंट का मतलब है कि आंख के कम से कम कितने चीज को हम लोग क्लियरली देख सकते हैं। तो ये जो नियर पॉइंट होता है वो 25 सेंटीमीटर के आसपास होते हैं, ठीक 25 सेंटीमीटर के आसपास होते हैं हमारा नियर पॉइंट, जबकि फार पॉइंट क्या होता है, इंफिनिटी होता है, ठीक। चलिए इसके बाद क्या है, इसके बाद अगला है डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। देखो नॉर्मल में हम लोग क्या देखे हैं कि जो हाईएस्ट पॉइंट है, जिसको हम लोग हाईएस्ट पॉइंट कह सकते हैं सर, जिसको कहते हैं मैक्सिमम विजन, है ना, इसको क्या कहते हैं मैक्सिमम विजन, या इसी को कहते हैं फार पॉइंट, ठीक। तो जो फार पॉइंट होता है वो क्या होता है, इन्फिनिटी है। चलो आज तुम लोग को हमारे बैकग्राउंड में म्यूजिक भी सुनने को मिल रहा होगा, है ना। और ये हो गया फार पॉइंट। एक होता है नियर पॉइंट। नियर पॉइंट कितना हम लिए थे, 25 सेंटीमीटर। तो फार पॉइंट और नियर पॉइंट ये दोनों हमारा विजन का एक क्या है, लिमिटेशन है। इस लिमिटेशंस में अगर किसी भी तरीके का एबनॉर्मेलिटी होता है तो उसी को हम लोग कहते हैं डिफेक्ट्स ऑफ विजन या डिफेक्ट्स ऑफ आई। देखो क्या लिखेंगे, द एबनॉर्मेलिटी इन द नॉर्मल विजन ऑफ आई आर कॉल्ड डिफेक्ट्स ऑफ विजन या डिफेक्ट्स ऑफ आईज। इसको हम लोग दो भागों में क्लासिफाई करते हैं, पहले को कहते हैं मायोपिया, दूसरे को कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया, है ना, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। देखिए सबसे पहले हम लोग समझेंगे मायोपिया को। मायोपिया को शॉर्ट साइटनेस भी कहते हैं, इसको हिंदी में निकट दृष्टि दोष कहा जाता है, है ना, क्या कहा जाता है, निकट दृष्टि दोष। मतलब इसमें क्या होगा कि दूर का ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा जबकि नजदीक का ऑब्जेक्ट आसानी से दिखता है, ठीक। तो अब आता है कि सर इसके काउज क्या होते हैं, काउज क्या होता है, या तो आपका आई बॉल क्या हो जाए, लंबा हो जाए, देखो ये आई बॉल है ये लंबा हो जाएगा, ठीक, या आई लेंस जो है सर ये मोटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा या थिक हो जाएगा, ठीक। अब देखो होता क्या है, तो इसके लिए क्या होता है कि आई बॉल लंबा होने से या आई लेंस को छोटा मोटा हो जाने से क्या होता है, रेटिना के पहले ही रे कट जाती है ना, जिसके कारण उसका इमेज जो है वो रेटिना पे नहीं बन पाता है और जिसके कारण वो चीजें नहीं दिखती है। इसका इलाज कैसे करेंगे सर, तो इसको इलाज करेंगे हम लोग चश्मा लगा करके। ये देखिए हमारा क्या है, एक लेंस है, ये जो लेंस है ये क्या करता है, इसको हम लोग कहते हैं डाइवर्जेंट लेंस, ठीक, इसको क्या कहते हैं, डाइवर्जेंट लेंस। ये जो डाइवर्जेंट लेंस होता है, ये जो डाइवर्जेंट लेंस है ये क्या करता है कि इसके फोकस को बढ़ा देता है। देखो डाइवर्जेंट लेंस का काम है कि वो इस तरीके का है, ये देखो नॉर्मल आने वाला लाइट है, इसको क्या करेगा, ऐसे करके फैला देगा, ठीक, और जब फैला देगा तो वो क्या करेगा, रेटिना तक पहुंच जाता है। मतलब वैसे व्यक्ति जो शॉर्ट साइटनेस के शिकार हैं, उनको डाइवर्जेंट लेंस से, है ना, डाइवर्जेंट लेंस का चश्मा उनको लगा देने से यूज हो जाएगा, यानी उनका काम फिर से काम करने लगेगा। डाइवर्जेंट लेंस को हम लोग कॉनकेव लेंस भी कहते हैं, ठीक। अब बात करते हैं हम लोग दूसरा, दूसरा क्या है, हाइपरमेट्रोपिया, इसको हम लोग कहते हैं दूर दृष्टि दोष। इसमें क्या होगा कि नजदीक के चीजें नहीं दिखेगी जबकि दूर की चीजें साफ साफ दिखेगी, है ना, दूर की चीजें साफ साफ दिखेगी, नजदीक की चीजें साफ साफ नहीं दिखेगी। क्या होता है इसमें, सबसे पहले होता है कि ये जो आपका आई बॉल है ना, ये आई बॉल है, ये क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, या जो आई लेंस है वो क्या हो जाता है, थीन हो जाता है, ठीक। तो या तो आई बॉल स्मॉल हो जाएगा या आई लेंस थीन हो जाएगा। अब इसके कारण क्या होता है सर, इसके कारण क्या होता है कि जो रे को कटना चाहिए था रेटिना पर, वो रेटिना से बाहर कटता है,
है ना, रेटिना से बाहर जाएगा, रेटिना से बाहर जाने से क्या होता है, उसका इमेज रेटिना पर नहीं बनता है। तो इसके इलाज के लिए चश्मा जो लगाना पड़ेगा वो कौन सा लगाना पड़ेगा, कॉन्वेक्स लेंस का, है ना, कॉन्वेक्स लेंस का चश्मा चाहिए, जिसको हम लोग कहते हैं कन्वर्जेंट लेंस, समझ गए, इसको कन्वर्जेंट लेंस भी बोलते हैं। तो दोनों देख लिए कि हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है और मायोपिया में क्या होता है, ठीक। यही हमारा आज का टॉपिक था, ये क्लास 8 का लाइट यहाँ पे खत्म हो जाता है। अगला टॉपिक जो हम लोग लेके आ रहे हैं आप लोग के लिए, उसका नाम है एडोलेसेंस एंड प्यूबर्टी। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और जो टॉपिक पर आपको चाहिए उसके लिए कमेंट करें, है ना। मैं हूं अजीत कुमार, आज चूंकि हमारे बैकग्राउंड में देख रहे हो म्यूजिक बज रहा है बहुत तेज, इसलिए आज हम ये वीडियो जल्दी खत्म कर रहे हैं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ मंगलमय हो। मैं हूं अजीत कुमार, आप देख रहे हैं ड्रीम टेक एजुकेशन।